दोस्तों हम सब जानते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है, इसलिए माँ गंगा का एक नाम पापनाशिनी भी है। पर क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है? आज आपको एक बहुत ही नई बात पता चलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जब भी कोई पुण्यात्मा पुरुष वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला और भगवान का परम भक्त गंगा नदी में स्नान करेगा, तब उसका स्पर्श माँ गंगा में संचित पापों को नष्ट करेगा। पर आप सोचते होंगे कि कलयुग में तो कोई ऐसा पुण्यात्मा नहीं होगा, पर अभी भी कुछ ऐसे पुण्यात्मा लोग धरती पर है और कलयुग के कुछ वर्ष बीतने के बाद जब घोर कलयुग आ जाएगा तब ये पुण्यात्मा धरती को त्याग देंगे, तब माँ गंगा भी यहाँ से विलुप्त हो जाएंगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब।